हेलो हेलो, ऐसा करते हैं। एवरीवन रेडी? सब रेडी है? अभी तो ओके। चलो, कल का क्वेश्चन जो कराया था, कल आपने देखा था, प्रैक्टिस किया था उसको। गुड इवनिंग पेरेंट। तो जो मैंने कराया था कल, क्वेश्चन देखा था कैसे कराया था मैंने, एक बार फटाफट रिवीजन कर ले उसको। चलो, एक क्वेश्चन है कल का, जैसे कराया था सेम उसी की तरह, उससे एक बार करके देखो। लेटर माइंड द एबल टू तो इसको निकालो आंसर। ओके, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16, हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड 17th टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। चलो इसको करके देखो ना एक बार। कल मैंने इस टाइप का क्वेश्चन कराया था, कर पाएगा इसको? ट्राई करो, लेट्स ट्राई। चलो सिंपल है। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड 17th टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। यहाँ पे भी दो इक्वेशन बनेगा, एक इक्वेशन ये हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन ये होगा। ठीक है, देन सॉल्विंग इक्वेशन वन एंड टू वी गेट ए एंड डी। जब ए एंड डी मिलेगा तो आप आराम से थर्ड निकाल सकते हैं, उसको एपी को निकाल सकते हैं। ए और डी मिल गया तो एपी आराम से निकल जाएगा। यहाँ पे एपी निकालना है, समझो आप, ना आपको ए निकालना है ना डी निकालना है, आपको एक एपी बनाना है, मतलब आपको एक सीरीज बनाना है। ओके, सकोगे आप लोग? चलो तो मैं करके देखता हूँ। ठीक है, देखो जो नहीं सकोगे। यहाँ पे क्या बोला है? डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16, दैट मीन थर्ड टर्म ये आपको दिया हुआ है 16। ओके, क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16, दैट मीन थर्ड टर्म 16 दिया। थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? कल मैंने बताया था कैसे निकलेगी, ए प्लस टू डी थर्ड टर्म का इक्वल टू 16। ये कहाँ से आया है? जो आज अगर ज्वाइन किया हो वो देख लो, फॉर्मूला होता है हमारा ए प्लस एन माइनस वन डी एन एफ। टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। ओके, तो यहाँ पे क्या है? थर्ड टर्म मतलब एन का जगह थ्री लिखेंगे, थर्ड टर्म। तो यहाँ पे ए प्लस एन, यहाँ पे थ्री है तो यहाँ पे भी क्या होगा? एन थ्री माइनस वन डी, दैट मीन ए प्लस थ्री माइनस वन क्या होगा? टू डी। तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा? ए प्लस टू डी, ये मैंने कल बताया था। ठीक है, तो ए प्लस टू डी इज इक्वल टू 16। इसके बाद देखो, इसमें कुछ कैलकुलेट नहीं कर सकते हम लोग, तो इसको क्या करना है, हमको यही छोड़ना है, इसका इक्वेशन वन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में क्या दिया होगा? एंड 17th टर्म एक्सिस द फिफ्थ टर्म बाय 12। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेगा? एंड जो 17th टर्म है, समझो 17th टर्म जो है ना, वो क्या बोल रहा है? एक्सिस द फिफ्थ टर्म बाय 12, मतलब फिफ्थ टर्म से कितना एक्सिस हो रहा? फिफ्थ टर्म से एक्सिस हो रहा 12, फिफ्थ टर्म प्लस 12। ठीक है, समझ में आया कैसे किया लोग? कल भी मैंने इस टाइप बताया था। देखो सेकंड कंडीशन क्या दिया है, 17th टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। ओके, दैट मीन जो 17th टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। व्हाट इज दैट मीन?
सेवेंटीन टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, ए प्लस 16 डी। ओके, इसके तो फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस 4 डी प्लस 12। आया समझ में, 17 टर्म का फॉर्मूला ए प्लस 16 डी इसके टू फिफ्थ टर्म का ए प्लस 4 डी प्लस 12। अब यहाँ पे क्या करो, नंबर को उधर रहने दो, ये दोनों को इधर ले आओ, दैट मीन ए प्लस 16 डी, ये ए प्लस में इधर आंसर क्या हो जाएगा माइनस ए, ये 4 डी प्लस इधर आंसर क्या होगा -4 डी इसके टू 12। अब देखो इसमें ए प्लस ए और माइनस ए दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 डी माइनस 4 डी कितना हो जाएगा 12 डी, 16 डी माइनस 4 डी कितना हो जाएगा 12 डी इसके टू 12। ओके, दैट मीन डी इसके टू कितना होगा 12 बाय 12, दैट मीन डी इसके टू 1। तो हमको तो डी इससे ही मिल गया, सॉल्विंग इक्वेशन 1 तो करना ही पड़ा क्योंकि डी हमको यहाँ मिल गया। अब ये डी का वैल्यू को ना इक्वेशन 1 में डालो, ठीक है ना, इसको अगर इक्वेशन बनना था ना तब हम लोग सोल्विंग इक्वेशन 1 तो करना था, लेकिन इससे हम लोग देखें कि हम लोग को डी मिल गया, तब ये डी का वैल्यू को क्या करेगा इक्वेशन 1 में डालेगा। ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है मेरा, ए प्लस 2, डी का वैल्यू कितना है 1, दैट मीन डी का जगह क्या लिखेगा 2 × 1 इक्वल टू 16। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा ए प्लस 2 × 1 = 2 इक्वल टू 16। ठीक है, देन ए प्लस ए इक्वल टू 2 के है, प्लस में है, इधर आंसर क्या होगा माइनस 16 − 2, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 − 2 कितना होता है 14। आया समझ में, कैसे किया है? सबको समझ में आया? तो ये हमारा ए और डी मिल गया। अब ए और डी मिल गया तो हमको क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द एपी, अभी एपी बनाओ, तो एपी देयरफॉर द एपी आर क्या होगा, फर्स्ट टर्म एपी बनाने के लिए, एपी क्या एक सीरीज है, हमको सीरीज बनाना है। ठीक है, सीरीज कब बनेगा, जब उसका फर्स्ट टर्म होगा, फर्स्ट टर्म क्या है मेरा 14, ठीक है ना, और डी कितना है देखो 1 है, दैट मीन कितना से सेकेंड टर्म से 14 को माइनस करेगा तो 1 होगा, तो कितना होगा यहाँ पे 15, क्योंकि 15 − 1 15 − 14 कितना होता है 1 होता है। देन सेकेंड थर्ड टर्म क्या होगा 16, फोर्थ टर्म क्या होगा 17, ये हमारा एपी हो जाएगा 14 15 16 17, क्योंकि अगर डी हमारा 1 होना चाहिए। हाँ, तो अगर आप सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करो 15 − 14 1, 16 − 15 1, 17 − 16 1, देखो सबका कॉमन डिफरेंस क्या है 1 निकल रहा है, और फर्स्ट टर्म क्या है मेरा 14। आया सबको समझ में एवरीवन? इस तरह से हम लोग कोई फॉर्म करते हैं, क्या फॉर्म करते हैं हम लोग एपी को फॉर्म करते हैं। ओके, चलो हो गया सबको, रब कर देता हूँ, ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर नया उसका उसका सेकंड पार्ट करेंगे आज। अगर क्वेश्चन आ गया, हाउ मेनी मल्टीपल मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइव बिटवीन 10 एंड 250। चलो अगर ये क्वेश्चन आ गया तो कैसे करोगे, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइव बिटवीन 10 एंड 250। सर 17 टर्म में 16 कहाँ गया, तो ये वाला ये 16 कहाँ से आया है ना, ये पूछ रहे हो ना, 17 टर्म में 16 कहाँ से आ गया, राइट नवम, आपका क्वेश्चन क्या है, आप लिखे हो कहाँ गया 16 कहाँ गया, ना कहाँ से आया ये 16, ये पूछ रहे हो आप, 17 − 1। हाँ 17 टर्म में क्या है, देखो 17 टर्म क्या हो जाएगा हमारा ए प्लस 17 − 1 डी, दैट मीन ए प्लस 17 − 1 क्या होता है 16 डी, ये आ गया। अब ये 16 कहाँ गया, देखो 16 कहाँ जाएगा, ये प्लस 4 यहाँ पे आ गया, 16 − 4 क्या हो जाएगा 12 डी हो जाएगा।
16 मिसिंग नहीं है ना, 16 ये है तो 16 यहीं पे, ये 16 है। अभी ए प्लस 4d था, इसको आप लोग इधर लेके आ रहे, ए प्लस धन से माइनस ए हो गया, 4d धन से माइनस 4d। अभी ए कट गया, ये 16d जो है, 16d माइनस 4d कितना हो जाएगा, 16 माइनस 4 12d। आया समझ में? लाभम विजय समझ में आया? ओके गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ फोर लाइज बिटवीन 10 एंड 250? निकालो तो उसको, इजी है दिस क्वेश्चन ऑल्सो। फोर का कितना मल्टीपल 10 एंड 250 है, मतलब कितना पूछा है, क्वांटिटी पूछ रहा है, क्वांटिटी दैट मीन यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, एंड फाइंड आउट करना। समझ में आ गया? मतलब कितना टर्म है जो फोर का मल्टीपल है बिटवीन 10 एंड 250, सकोगे क्या इस तरह का क्वेश्चन किया था हमने, 7 का डिविजिबल वाला। चलो मैं कर देता हूँ, देखो और आपने क्या करो, इस तरह का क्वेश्चन आता है, फर्स्ट एपी फॉर्म करो, एपी फॉर्म करेंगे कैसे करेगा, हम लोग को 10 और 250 का बीच में कितना फोर का मल्टीपल है पूछा, समझो जैसे अभी 10 से शुरू करो, 10 से काउंट करो जो फोर का मल्टीपल है, 10 तो है नहीं, 11 भी नहीं है, फर्स्ट मल्टीपल क्या है, 12, ठीक है ना, 12 क्या है, फोर का मल्टीपल है। फिर दूसरा क्या है, 16, तीसरा क्या है, 20, ऐसे जाएगा। नेक्स्ट अगर लिख लो एक और, 24, डॉट 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 ऐसे जाएगा, 10 के बाद 4 का मल्टीपल क्या आता है, 12, 16, 20, 24। अब लास्ट में देख लो, 250 लास्ट नंबर क्या है, 250, 250 क्या 4 का मल्टीपल है, नहीं। देन 249, 249 है, नहीं। देन क्या बचेगा, 248, 248 4 का मल्टीपल है, क्योंकि 4 6 24, 4 2 8 और एक नहीं हो रहा, तो दैट मीन 248 क्या हमारा 4 का मल्टीपल, तो लास्ट क्या है, 250। ये हमारा पहले एक एपी फॉर्म था, आया समझ में कैसे एपी फॉर्म किया। ये देखो 10 और 250 का बीच में है ना, अभी तक हम लोग स्टार्टिंग से किया तो ये चार हमको मिला है 10 के बाद, 4 का मल्टीपल, और लास्ट में ये है, अब बीच का टोटल कितना मल्टीपल है पूछ रहा, ठीक है ना, तो ये हमारा एक एपी फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे करो, हियर ए इज इक्वल टू क्या है मेरा, 12, और डी इज इक्वल टू क्या होगा, 4 ही होगा, क्योंकि सबका माइनस क्या है, 4 है, ठीक है। तो यहाँ से निकालो, सिंस एन एफ टर्म का फॉर्मूला क्या है, एन एफ टर्म इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है, या इसको हम एन एफ टर्म का जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एन भी लिख सकते हैं, कल बताया हमने। तो यहाँ पे क्या है, ये जो लास्ट टर्म है इसको हम लोग क्या लिया था, कल ए एन लिया था, ए एन मेरा कितना है, 2। क्योंकि जब भी आपको एन फाइंड आउट करना हो, आपको ए एन देगा ही, ये वाला देगा ही, ये नहीं देने से आप एन फाइंड आउट नहीं कर सकते, वॉट इट। तो यहाँ पे ए मेरा 12, डी मेरा 4, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है सबका, 4 है, और ए एन जो लास्ट टर्म होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए एन 248, दैट मीन 248 इज इक्वल टू ए मेरा कितना है, 12 प्लस एन फाइंड आउट करना है, देन एन माइनस 1, डी कितना है मेरा, 4, वॉट इट। अब इसको निकाल लो, एन एन का वैल्यू कितना होगा, 12 है, ये प्लस 12 इधर से माइनस, तो 248 माइनस 12 इसके टू, यहाँ पे क्या बचेगा, एन माइनस वन, 4। ओके, 248 से 12 माइनस करो, एक में से 2 गया 6, 4 से 1 जाएगा 3, 236, ठीक है ना, 236 इसके टू एन माइनस वन, 4, देन 236 यहाँ पे 4 क्या है, इनटू में इधर आने से क्या होगा, डिवाइड, 236 डिवाइडेड बाय 4 इसके टू एन माइनस वन, करो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, फिर कितना बचा, 3 6 4 9 जा 36, दैट मीन 59 इज इक्वल टू एन माइनस वन, तो देयर फोर एन इज इक्वल टू कितना होगा, कि माइनस वन इधर से प्लस वन हो जाएगा, तो 59 प्लस वन दैट मीन कितना हो जाएगा, 60, दैट मीन 10 और 250 का बीच में 60 टर्म ऐसा है जो फोर का मल्टीपल है, कालू ने भेजा है। गुड, सबको समझ में आया?
एवरीवन ओके चलो एक होमवर्क लिख लो फिर मैं नया शुरू करता हूँ ना दूसरा टॉपिक। एक जस्ट होमवर्क लिख लो, ये होमवर्क करके रखना, ट्राई करना। क्वेश्चन है द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एन एपी इज 24, ठीक है, एंड द सम ऑफ द सिक्स एंड टेंथ टर्म टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ द रेशियो। ये आपका होमवर्क है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ के समझ लो क्या है। यहाँ पे क्या बोला है, द सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एन एपी इज 24, ठीक है। फोर्थ टर्म और एट टर्म का सम कितना दिया है 24 दिया। सिक्स टर्म एंड टेंथ टर्म का सम कितना दिया हुआ है 44 दिया। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ द एपी, आप एपी निकालो, एपी का फर्स्ट थ्री टर्म निकालो, सिंपल है सर। 248 कैसे आया, ये 248, ये 248 क्या था हमारा लास्ट जो है ना, देखो 10 से 250 तक का बोला है, तो जो ये लास्ट टर्म है ये 248, इन दोनों का बीच में ना जो फोर से मल्टीपल है वो लास्ट टर्म कौन सा है 248 है। क्यों 248 है, क्योंकि 250 तक ही लोग बोले आपको, तो 249 तो फोर का मल्टीपल नहीं है, 250 भी फोर का मल्टीपल नहीं है, तो फोर का मल्टीपल इन दोनों नंबर का बीच में 10 और 248 250 का बीच में जो फोर का मल्टीपल है वो लास्ट टर्म कौन सा होगा, 248 ही होगा, क्योंकि लास्ट में 248 ही है इन दोनों नंबर के बीच में, लास्ट में हाँ जो फोर से मल्टीपल होता है, और स्टार्टिंग में कौन सा था 12, तो जो लास्ट टर्म होता है ना उसको हम लोग क्या लेते हैं एन लेते हैं, ठीक है। ए ये रुको, ये डाउट किसका आ रहा है तो उसको क्लियर कर देते पहले हम। वाई वी आर टेकिंग ए 12, कौन सा नवम, नवम कल आप था क्या, कल स्कूल में, कल क्लास में था आप, स्कूल बोलते हैं, कल क्लास में था, कल मैंने बताया था क्या, कोई नंबर है ना, सुनो आप समझ लो, क्यों हम लोग ए 12 लिए, एक क्वेश्चन है आपको ना, ए को क्यों 12 लिए, ओके। देखो कोई भी एपी है, कोई भी एक एपी मान लो 2 4 6 8 मान लो, इसमें ना ये फर्स्ट टर्म जो है ना मेरा वो मेरा हमेशा ए होता है, सेकेंड टर्म ए टू, थर्ड टर्म ए थ्री, फोर्थ टर्म ए फोर, ये तो मैंने कल समझा दिया। अब इसमें ना क्यों हम लोग 12 को ए लिया, तो हम लोग को ना क्या बोला है 10 से 250 का बीच में, समझो जब 10 से 250 का बीच में कितना नंबर आपका फोर का मल्टीपल है, ठीक है, कितना नंबर आपका फोर का मल्टीपल है, क्वेश्चन ये था, ठीक है। अब देखो 10 और 250 का बीच में देखो, पहले 10 से स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग से अगर 10 से जाता है तो सबसे पहला फोर का मल्टीपल क्या आता है, 10 आता है क्या, फोर का मल्टीपल है नहीं है, फोर का 11 आता है क्या नहीं है, 12 12 है कि नहीं, हाँ है, तो पहला नंबर जो आता है जो फोर का मल्टीपल है वो 12 है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर कौन सा है फोर का मल्टीपल, 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, कौन सा है 16, दैट मीन दूसरा क्या आएगा 20, फिर 24, ये हमारा एक एपी फॉर्म होता है, ये फर्स्ट नंबर है जो फोर का मल्टीपल है बिटवीन दिस टू नंबर, देन लास्ट में कौन सा आ गया 240, कितना आ गया 240, ओके। ये इन दोनों के बीच में हम जैसे एक एपी बनाया, तब ये एपी में हम क्या देख रहा, ये तो ये सब फोर का मल्टीपल है बिटवीन दिस, अब ये एपी में क्या है मेरा फर्स्ट टर्म क्या है मेरा 12 है कि नहीं, तो ए किसको लेगा 12 को लेगा, ये ए टू, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, दैट इज द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म भी हम लोग क्या बताया था टर्म में, लास्ट टर्म को ही क्या बोलते हैं हम लोग ए एन बी बोलते हैं, इसलिए इसको 12 को ए लिया। अब आया समझ में ना, अब होप अभी आ गया होगा समझ में। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था पीएल का, कि सर सम वाला क्वेश्चन नहीं कराया। अब ये देखो आप लोग छोटा बच्चा तो नहीं है कि जो क्वेश्चन कराएगा उसी को कराएगा,
उसी टाइप का, उसी प्रोसेस का क्वेश्चन है, थोड़ा अपना लॉजिक लगाओ, क्वेश्चन बड़ा नहीं है। अगर मतलब अगर आप बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन नहीं सकेगा, देन आप एक भी समझाए नहीं। सिंपल, क्यों नहीं समझाए? क्योंकि इसमें देखो क्या दिया हुआ है, हम क्वेश्चन में पूछा था क्या दिया हुआ? सिंपल है, द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एन एपी इज 24। इसका इक्वेशन कैसे बनेगा? क्वेश्चन, फोर्थ टर्म प्लस एट टर्म इसके 24। फोर्थ टर्म और एट टर्म का सम कितना है? सम मतलब प्लस, कितना आया? 24। यहाँ तक समझ में आया? इसको सोल्व करो। कैसे सोल्व करेंगे हम लोग? फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस 3d होगा ये। फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? ए प्लस 3d प्लस एट टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? ए प्लस 7d। आया समझ में? इसके टू 24, ये समझ में आ गया। अब इससे निकालो, ए प्लस 3d प्लस ए प्लस ब्रैकेट हटा दो 24। अब क्या करेगा? ए प्लस ए कितना होगा? 2a प्लस 3d प्लस 7d। तो d का साथ प्लस करेगा, a का साथ करेगा। ए प्लस ए 2a, 3d प्लस 7d कितना हो जाएगा? 10d। इसके लिए 24। अब इसमें कुछ हम कर सकते हैं? नहीं कर सकता, ठीक है ना? पर अगर करना चाहो, देखो इसमें कुछ नहीं कर सकता ना, क्योंकि a और d दोनों अलग अलग वेरिएबल है, प्लस होगा नहीं, ये नंबर है, नहीं प्लस होगा। लेकिन बाद में इक्वेशन आपका इजी हो जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं? इसमें ये दोनों में कॉमन क्या है? क्या कॉमन है दोनों में? 2 है कि नहीं? क्योंकि 2 का मल्टीप्लिकेशन में दोनों आता है, 2 भी आता है और 10 भी आता है, इससे इक्वेशन छोटा होगा। लेकिन अगर आप ये इक्वेशन लेके भी करेगा ना, तब भी आंसर मेरा सेम ही आएगा। अगर हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो 2 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 2 चला गया बाहर, तो मेरा क्या बचा? ए प्लस, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो 2 5 जा 10 होता है कि नहीं होता? 5d इसके तो 24। नेक्स्ट सोचते क्या हो जाएगा? ए प्लस 5d, यहाँ पे 2 इंटू में इधर से डिवाइड, 24 डिवाइडेड बाई 2, ए प्लस 5d इज इक्वल टू 12। ये मेरा इक्वेशन 1 हो जाएगा। आया समझ में? ए प्लस 5d, अगर आप इसको इक्वेशन 1 लेके चलता है ना, तब भी हो जाएगा, बाद में हमको सॉल्विंग इक्वेशन 1 या 2 करके कर सकता है। लेकिन इसको, इस क्वेश्चन को इजी करने के लिए हम इसको क्या किया? कॉमन लेके इक्वेशन छोटा कर दिया, क्योंकि यहाँ पे भी सिर्फ ए हो गया, और नेक्स्ट में भी छोटा करेगा तो ए ही आएगा, ए ए सिंपल से कट हो जाता है, इससे सिंपल किया। व्हाट इज, ये हो गया पहला। दूसरा क्या दिया हुआ है? सम ऑफ द 6th एंड 10th टर्म, 6th एंड 10th टर्म इक्वल टू 44। सेम इसको भी क्या करो, ऐसे निकाल लो। इसको निकालने के बाद इक्वेशन 2 मिल जाएगा आपको, फिर सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 ए और डी निकाल लो। ए और डी निकालने के बाद फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द एपी निकाल लो, एक एपी बना दो, पहला दूसरा तीसरा, जैसे अभी एपी बनाना सिखाया था हम। समझ में आ गया? ट्राई करके देखना इसको। ओके, अब आया समझ में? तीन आपको कैसे करते हैं हम लोग सम वाला? जैसे आपको इक्वेशन बनाओ, पहले इक्वेशन बन गया तो फिर मैंने क्या बताया था, एपी का कोई भी क्वेश्चन हो, आपको एपी का क्वेश्चन फाइंड आउट करने के लिए 2 ही चीज चाहिए, एक तो चाहिए ए और एक चाहिए डी। ये कहाँ से निकालना है, कैसे निकालना है, वो क्वेश्चन से आप देखोगे। चलो वेरी गुड, रब कर दूं? चलो आज दूसरा करते हैं, आज क्योंकि टाइम भी नहीं होगा फिर हमारे पास। देखो अभी तक एपी में ना, कल से जो हमने पढ़ाई किया, वो हमने पढ़ाई किया कि कोई भी एक सीरीज में, समझो अच्छा सुनो ना, कोई भी सीरीज में कितना टर्न्स होता है, या कोई भी एक सीरीज दिया, मान लो इवन नंबर का दिया है 2 4 6 8, ये एक सीरीज हो गया, ठीक है ना? अब ये अरिथमेटिक मैंने कल बताया था, ये एक सीरीज है। ये एपी कब बनेगा? जब इस सबका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो सबका कॉमन डिफरेंस क्या है? 2 ही है, 4 माइनस 2 6 माइनस 4, ठीक है ना? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि फिफ्थ टर्म, अगर मान लो इसका 7th टर्म निकालना है, तो हम लोग फॉर्मूला से निकाल रहे थे, अभी तक हमने यही किया। अब अगर क्वेश्चन में आता है कि इसका 2 4 6 8 दिया, ठीक है ना, ऐसे यहाँ पे मान लो 30 तक दिया हुआ, कहाँ तक दिया हुआ है? 30 तक। अब हम पूछा है आप जितना टर्म है ये सबका सम कितना है, मतलब सम ऑफ एन टर्म्स, तो क्या बोलते हैं? सम ऑफ एन टर्म्स। समझ में आ गया? ये टर्म सब पता है कितना टर्म्स है यहाँ पे, 2 से 30 तक कितना होगा? 15 होगा मेरे ख्याल से, होगा कि नहीं होगा? 15, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 करके कितना टर्म होगा? 15 टर्म होगा, ठीक है ना? अब ये टर्म निकल गया, अब हमको पूछा है क्वेश्चन में
जितना टर्म है 15 टर्म है, ये सबका सम कितना है, तो ये सबको सम करो 2 इंटू, अगर प्लस करने बैठेगा तो 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12, 8, ऐसे प्लस करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन ऐसे नहीं करके हम लोग इसको इसके थ्रू निकालता है सम ऑफ एन टर्म के हिसाब से। आया सबको समझ में? रिप्लाई करो फिर मैं आगे बढ़ू। पहले हम लोग जस्ट देख रहा था कि कौन सा टर्म कितना है, कितना टर्म निकालता है, ठीक है ना। क्या लिखा है जी? देखो पहले से हम लोग टर्म कितना निकालता है वो सभी देखा था, अब हमको जितना टर्म है वो सबका सम लिखा, ठीक है ना। तो फॉर्मूला लिख लो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स, इसका फॉर्मूला होता है एन बाई टू, सम ऑफ एन टर्म्स है, रेडी लिख लो इसको, एस एन से करते हैं हम लोग दोनों, ठीक है। सम ऑफ एस एन, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 d, ये हम लोग का फॉर्मूला है सम ऑफ एन टर्म। देखिए पहले क्या था हम लोग का फॉर्मूला, एन टर्म का, एन का फॉर्मूला क्या था हमारा, a प्लस n माइनस 1 d, अभी तक हम लोग ये पढ़ा था a प्लस n माइनस 1 d, अभी हम लोग का सम ऑफ एन टर्म्स, ये आ गया फॉर्मूला एन बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 d, आया समझ में? ये फॉर्मूला निकालेंगे अभी। नेक्स्ट में ये फॉर्मूला को और हम क्या क्या लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर ये फॉर्मूला जब चेंज होगा ना, देखो फॉर्मूला सेम ही है लेकिन उसका वो चेंज होगा, वो किसका ऊपर होता है, क्वेश्चन का ऊपर। मान के चलो ये क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला क्वेश्चन बोलता है, ये फॉर्मूला को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a, 2a को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, a प्लस n माइनस 1 d, ये हम 2a को ऐसे लिख सकते हैं, गलत तो नहीं लिखा, क्योंकि ए प्लस ए क्या होता है, 2a ही होता है, गॉट इट। अब ये फॉर्मूला ऐसा भी बन जाएगा, एन बाई टू ए प्लस, देखो ए प्लस अभी यहां से लेके यहां तक समझो, अच्छा यहाँ पे पहले इसको हमने स्प्लिट कर दिया ए प्लस, ठीक है ना। अभी ये ए को यहीं रह दिया, लेकिन ये ए से यहां तक ये फॉर्मूला किसका है, ए एन का फॉर्मूला है कि नहीं, देखो ए प्लस एन माइनस वन डी, ए प्लस एन माइनस वन डी इसका फॉर्मूला ये ए एन का, दैट मीन ये फॉर्मूला का जगह हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए एन भी लिख सकते हैं, आया समझ में। तो एस एन का एक फॉर्मूला ये भी बनता है, एक फॉर्मूला ये भी बनता है, तो नेक्स्ट में क्या कर सकते हैं, हम कल क्या बताया था कि ए एन को ही अगर लास्ट टर्म देता है क्वेश्चन में तो ए एन को क्या लिखते हैं हम लोग, एल भी लिखते हैं, दैट मीन एल का फॉर्मूला भी क्या होता है, एन माइनस वन डी, यहाँ पे एल जो है ना किसको रिप्रेजेंट करता है, लास्ट टर्म से, गॉट इट। तो ये फॉर्मूला हम इसे भी लिख सकते हैं एन बाय टू ए प्लस एल, आया समझ में, ये फॉर्मूला कब यूज होगा, जब क्वेश्चन में आपको लास्ट टर्म देगा तब हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट मीन ये फॉर्मूला से हम लोग को ये तीन फॉर्मूला बना, सबको समझ में आया फॉर्मूला। रिप्लाई करो फिर मैं आगे बोलूं, क्वेश्चंस कराओ। यस सर, गुड, चलो आप क्वेश्चन करते हैं। देखो अगर क्वेश्चन आ गया, देखो फाइंड द सम ऑफ द एपी 2 7 12 डॉट डॉट 2 10 टर्म्स, इसको निकालो, क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ द एपी, क्या एपी है 2 7 12 2 10 टर्म्स, कहाँ तक करना है उसका, 10 टर्म्स तक सम निकालो। तो एक को बता देता हूँ फिर आप लोग कर लेना, देखो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता तो हमारा क्या दिया है, एपी 2 7 12 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक करना है उसको, 10 टर्म्स तक सम निकालो, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेगा, पहले इसमें देखो कितना टोटल टर्म कितना को करना है हम लोग को, 10 टर्म करना है, दैट मीन टर्म्स है ना, टर्म मतलब क्या है, ये एन है,
इसका मतलब क्या है, एन यहाँ पे कितने मेरा 10, समझो कितना टोटल टर्म्स है 10 टर्म्स है, ये 10 टर्म्स का 2 से लेके 10 टर्म्स तक उसका सम करना है, दैट मीन एन मेरा क्या है 10, ठीक है। यहाँ पे देखो एपी में ए क्या है मेरा फर्स्ट टर्म 2 है, देन डी मेरा क्या है यहाँ पे 7 माइनस 2 5, 12 माइनस 7 5, लेकिन कॉमन डिफरेंस क्या है 5, डी मेरा 5। तो अभी फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला क्या था मान मेरा एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a+n-1, ठीक है ये हमारा फॉर्मूला है 2a+n-1 ये, ठीक है। अब यहाँ पे s कितना टर्म है टोटल, n का जगह क्या लिखेंगे 10, सम ऑफ ये n मतलब सम ऑफ n टर्म्स का, यहाँ पे 10 टर्म्स का बोल रहे, तो सम ऑफ 10 टर्म, ठीक है, इक्वल टू n का जगह क्या लिखेंगे 10/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू ए मेरा क्या है 2 प्लस एन कितना मेरा 10-1, डी कितना मेरा 5, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कितना वो कट जाएगा 5, दैट मीन 5 अंदर क्या हो जाएगा 4, 2 इंटू 2 4 प्लस 10-1 9, 9 इंटू 5 हो गया, देन 5 4 प्लस 9 5 जा 45 हो गया, 5 इंटू 4 प्लस 45 49 इंटू कर लो कितना हो जाएगा 4 9 जा 36 3 4 सॉरी 5 है ना, 5 9 जा 45 रिमेनिंग 4, 5 4 जा 20 20 आंसर इज 45। दैट मीन ये एपी में 2 7 2 8 ये एपी में आपका 10 टर्म्स तक कितना सम है 240, आया सबको समझ में एवरीवन। रब कर दो, अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन देता हूं वो करके दे, फिर मत बोलना सर इस टाइप का आप कराया नहीं, ठीक है। देखो क्वेश्चन इज 1/15, 1/12, 1/10 डॉट 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 2 11 टर्म्स, चलो इसको निकालो तो सेम वे में करके देखो, थोड़ा जल्दी जल्दी करो, ट्राई करो सेम हुआ जैसे अभी किया हमने। वन बाय 15, 1/12, 1/10, देन ये कोमा है डॉट 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 2 11, सही करके देखो तो कितना आंसर निकलता है। होगा आप ट्राई करते रहो, हम भी कर देगा क्योंकि टाइम जाएगा। देखो अगर ये क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन में हम लोग का ए कितना है 1/15, पहले लिख लो क्या क्या दिया होगा डी, अभी डी हमको कैसे निकालेगा, तो डी हमको क्या करना है, डी कैसे निकालता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट मीन 1/12 माइनस 1/15 करो, ठीक है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 1/12 माइनस 1/15 कितना होगा 15, और 12 का एलसीएम निकालो 12 और 15, 12 और 15 इसका एलसीएम कैसे निकालता है किससे जाएगा 3 से, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ठीक है ना, मतलब आंसर कितना होगा 5 3 जा 15, 15 4 जा 60, आंसर कितना एलसीएम कितना होगा दोनों का 60 हो जाएगा, ठीक है। अभी 60 को 12 से डिवाइड करो, 12 5 जा 60 होता है, तो आंसर कितना आएगा 5, 5 इंटू 1 5 माइनस 15 कितना जा 60 होता है 15 4 जा 60, आंसर कितना आया 4, 4 इंटू 1 4, दैट मीन 1/60 कितना निकला यहाँ पे 1/60। ऐसे ही आप क्या करो चेक करने के लिए थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म भी करो, उसका भी यही आएगा लेकिन खुद को तसल्ली देने के लिए कर दो, 1/10 माइनस 1/12 थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म उल्टा ही माइनस करते रहो ना, ये सबका डिफरेंस कॉमन आना चाहिए, तो एक का तो आया 160, 1/60 ये दोनों का करता है, तो 12 और 10 का एलसीएम कितना होता है देख लेते हैं हम लोग, 12 और 10 का किससे करो 2 से करो, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, देखो 6 5 जा 30, 30 2 जा 60, एलसीएम इसका 60 ही आएगा।
अभी 60 को डिवाइड करो 10 से, 10 6 जा 60, 6 into 1 6 माइनस 12 5 जा 60, 5 into 1 5, देखो इसका भी आया 1 by 60, मतलब दोनों का डिफरेंस क्या है कॉमन आया, दैट मीन डी इज इक्वल टू मेरे के 1 by 60, गॉट इट। अब ये के 11 टर्म्स, दैट मीन यहां पे n कितना है मेरा 11, आया समझ में? अभी तक किसी ने आंसर नहीं भेजा ना। अब यहां पे क्या करेगा देखिए, एस एन इज इक्वल टू क्या था हमारा एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये हमारा फॉर्मूला है। अब यहाँ पे कितना टर्म है, एन कितना है 11, एस 11 इज इक्वल टू एन कितना हो जाएगा 11 बाई टू, दैट मीन टू इन टू ए कितना है मेरा 1 बाई 15 प्लस एन माइनस वन, एन कितना है मेरा 11 माइनस वन इंटू डी कितना है 1 बाई 16, हो गया यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे कैसे करेगा, 11 बाई टू ये कितना हो जाएगा 2 into 1 2 by 15, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं 1 ऊपर का ऊपर से into होगा 2 into 1 2 1 into 15 15 plus यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 minus 1 10 into 1 by 60, हो गया यहाँ पे। then 11 by 2 यहाँ पे क्या होगा 2 by 15 को ऐसे लेने दो plus यहाँ पे करो 10 1 जा 10 10 6 जा 60, ऊपर नीचे cancel out हो जाएगा, that means यहाँ पे क्या बचेगा 1 by 6, याद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट 11 बाई 2 अभी इन दोनों का एलसीएम कर दो, प्लस है ना फ्रैक्शन में प्लस 1 से क्या आता है एलसीएम कहते हैं, तो 15 और 6 का एलसीएम करते हैं अगर हम 3 से 3 5 से 15 3 2 से 6, दैट मींस का एलसीएम करने का जरूरत नहीं, 5 3 से 15 15 2 से 30 कितना एलसीएम निकला है 30, 30 को डिवाइड करो 15 से, 15 2 जा 30 जो आंसर है इसको ऊपर से इनटू करो 2 2 जा 4 प्लस 30 को फिर 6 से डिवाइड करो 6 5 जा 30 आंसर 5 आया, 5 into 1 ये हो जाएगा, दैट मीन 11 by 2 यहां पे कितना हो जाएगा 9 by 30, यहां पे into लिख दो हो गया 4 by 4 plus 5 कितना होता है 9, 9 by 30 यहां पे into है कुछ नहीं करो। अब इसको करो ये कितना होगा दिखाई देगा, हां 99, 99 by कितना हो जाएगा 60, 11 9 का 99 230 का 60, अब इसको और छोटा कर लो तो किससे कटेगा 3 से, 20 33 आंसर कितना होगा मेरा 33 by 20, दिस इज द आंसर, आया सबको समझ में 33 by 20, गुड एवरीवन गॉट द आंसर, समझ में आया? यस सर, इसके लिए होमवर्क लिख लो घर में ट्राई करो आप लोग। क्वेश्चन है माइनस 37 माइनस 33 माइनस 29 डॉट 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 टू 12, इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में ध्यान रखना। देन एक और क्वेश्चन है होमवर्क के लिए 0.6 1.7 2.8 डॉट 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 200 टर्म्स, ये दोनों को ट्राई करना होमवर्क। हो जाएगा सकेंगे आप लोग उसको, एवरीवन ओके। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, कोई क्वेश्चन देख लेता हूँ। अब देखो ये क्वेश्चन, अब इस टाइप का क्वेश्चन तो हमने कर लिया क्योंकि यहाँ पे हमको पता है, समझो कहते हैं यहाँ पे हमको बताया है कि हमको इतना टर्म का प्लस करना है, दे दिया ये, अब हमको बता दिया कि 12 टर्म का प्लस करो या 100 टर्म का प्लस करो, दैट मीन एन निकल, लेकिन अगर हमको बताया ही नहीं
कि सम को कितना टर्म का प्लस करना है तो कैसे करेंगे, ओके उसको भी सीख लेते हैं। समझ में आया ना, एक क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है एन मतलब कितना टर्म तक हमको प्लस करना, ठीक है ना। अब अगर आपको टर्म नहीं दिया है कि कितना टर्म का प्लस करना है तो आप कैसे निकालोगे, तो अगर क्वेश्चन आता है फाइंड द सम, फाइंड द सम ऑफ 7 प्लस 10 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस 18। अब अगर क्वेश्चन ये आ गया समझो, फाइंड द सम ऑफ, ठीक है ना, 7 10 1/2 14 18। अब देख यहाँ पे हमको जस्ट एक नंबर दिया है कि यहां से लेके 84 तक कितना सम है। अब हमको इसमें क्या चीज नहीं दिया है कि यहां से यहां तक कितना टर्म है। अभी हम लोग को दिख रहा 1 तफा 1 2 3 4 चार टर्म ही देख रहा, लेकिन इसका बीच में भी तो बहुत टर्म है जो मिसिंग है कि नहीं मिसिंग। तो 7 से 84 तक का कितना टर्म है, तो हमको सबसे पहले टर्म निकलेगा, उसके बाद ही आप जितना टर्म है वो सबका प्लस निकाल सकते हैं। समझे मेरे बात सब लोग, एवरीवन क्या बोलना चाह रहे हैं, समझ में आया कि यहाँ पे भी टर्म नहीं दिया है कितना टर्म है। जैसे कि मान के चलो अगर हम बोल दिया 50 से 625, 50 60 70, मान लो ऐसे कितने जाती ही है, ठीक है ना। अब यहाँ से 50 से 625 तक का कितना टर्म पता नहीं है, जितना टर्म हमको पहले पता होना कि इसका 50 से 625 के बीच में 100 टर्म, तो हम लोग यहाँ से ये का 100 टर्म का सम हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमको उससे पहले कितना पता, क्या पता होना पड़ेगा, टर्म कितना है। गॉट इट। अरे हम लोग टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम लोग का टर्म कैसे फाइंड आउट करेगा, पुराना फॉर्मूला से। कैसे, यहाँ पे देखो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे ए कितना है मेरा 7, ठीक है, डी कितना है मेरा क्या है इसको अभी ये करो, चलो इसको पहले सही से लिख लो, 7 प्लस मिक्स फ्रैक्शन को कर लो क्या होगा, 10 2 20 20 प्लस 1 21, इसको मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कैसे लिखेगा, 21/2 2। फिर नेक्स्ट क्या होगा 14 प्लस 8, ये जैसे हम क्वेश्चन को अरेंज किए ना क्वेश्चन पर लिख सकते, ठीक है। अब ये क्वेश्चन के हिसाब से ए मेरा कितना है 7, अब डी डी आप निकालो डी कितना है, तो डी कैसे निकालता था हम लोग, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट मीन 21/2 -7, ठीक है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 21/2 -7। अगर इसको हम करते हैं एलसीएम तो 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा मेरा 2 ही होगा, 2 को 2 से डिवाइड करो 2 1 का 2, 1 into 21, 21 -1 को 2 से डिवाइड करो 2, जो आंसर है इसको ऊपर से इनटू करो 2 7 जा 14, दैट मीन इसका क्या होगा 7/2, 21 से 14 डिवाइड करेगा तो कितना होगा 7। नेक्स्ट ट्राई करना है इसको भी ट्राई करके देख लो क्या है, 14 माइनस 3rd टर्म माइनस 2nd टर्म, तो जैसे कि 14 माइनस 21/2 ये आएगा 3rd टर्म माइनस 2nd टर्म, हाँ तो इसको कैसे लिखेगा आप लोग, इसके नीचे 1 1 और 2 का एलसीएम पे 2 ही होगा, 2 1 जा 1 को 2 से डिवाइड करो कितना आंसर होगा 2 होगा, 2 into 14 28 माइनस 2 को 2 से डिवाइड करो क्या आएगा 1 1 into 21 20, 28 माइनस 21 कितना होगा 7/2 ही होगा। देखो दोनों कॉमन आया कि नहीं, सेम ही आया, दैट मीन हमारा कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या है 7/2, ठीक है ना। अभी हम क्या बोल रहे थे पहले, जब फर्स्ट पहले क्लास में क्या बोला, जब भी एन फाइंड, यहाँ पे हमको क्या करना है एन फाइंड करना है, टर्न फाइंड करना है, तो एन फाइंड करने के लिए जो लास्ट वाला होता है उसको हम लोग क्या लेता है ए एन, क्योंकि एन जो है ना हमको ए एन का फॉर्मूला से मिलेगा, किसका फॉर्मूला से मिलेगा ए प्लस एन माइनस वन डी, ये हमको कहा चुका है यहाँ कि एन कैसे निकाल, ठीक है, हमको एन कहाँ से मिलेगा इसी से मिलेगा, गॉट इट। अब देखो क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या मेरा ए एन का, ए प्लस एन माइनस वन ये मेरा फॉर्मूला। अब अगर इसमें से एन को निकालना है तो ए एन कितना है मेरा 84, ठीक है, इसका तो ए कितना है मेरा 7 प्लस एन कितना है, एन नहीं दिया हुआ है हमको निकालना है, डी कितना है मेरा 7/2, आया समझ में, जस्ट पुट द वैल्यू। अब एन निकालो, एन कैसे निकालेंगे,
सेवन प्लस में इधर आंसर क्या हो जाएगा, माइनस 84 माइनस सेवन इसके लिए एन माइनस वन सेवन बाई टू ऐसा होगा। अब यहाँ पे क्या होगा 84 माइनस सेवन कितना होगा, 84 से सेवन माइनस करो 77 मेरे ख्याल से 77 हाँ 77 इज इक्वल टू एन माइनस वन सेवन बाय टू हो गया। अब यहाँ पे क्या करो देखो ये इंटू में यार सेवन बाई टू से क्या होगा डिवाइड, तो इसको कैसे लिखेंगे हम 77 डिवाइडेड बाय 7 बाई टू ऐसे लिख सकते हैं 77 डिवाइडेड बाय 7 बाई टू क्योंकि ये पोर्शन पूरा डिवाइड में आ जाए इक्वल टू एन माइनस वन। अब यहाँ पे क्या करेंगे ये क्या है फ्रैक्शन वाला डिवाइड है, फ्रैक्शन वाला डिवाइड हम कल बताया था फ्रैक्शन जब भी डिवाइड होता है वो क्या बन जाता है मल्टीप्लाई बन जाता है, मल्टीप्लाई बनने से नीचे का जो फ्रैक्शन है वो क्या होता है रेसिप्रोकल हो जाता है, दैट मीन 77 इनटू 7 बाय 2 है तो कैसे लिखेंगे हम 2 बाय 7 इक्वल टू एन माइनस वन ऐसे हो जाएगा। आया समझ में 77 इनटू 7 बाय 2 था वो क्या हो गया 2 बाय 7। अब यहाँ पे कैंसिल आउट होगा 7 वन जा 7 7 11 जा 77 ठीक है, तब यहाँ पे 11 है 7 11 जा 7 तो 11 इंटू 2 कितना होगा 22 इज इक्वल टू एन माइनस वन, दैट मीन एन इज इक्वल टू क्या निकलेगा 22 प्लस 1 माइनस 1 आंसर क्या होगा प्लस 1 हो जाएगा तो एन इज इक्वल टू कितना होगा 22। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टर्म है 26 टर्म समझ में आ गया। अब आपको पता चल गया कि हम लोग को ये एपी में 23 टर्म का सम करना है। एवरीवन समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, यहां तक में कोई डाउट रिप्लाई करो क्योंकि तब पता चलेगा आप लोग सीख रहे हो ना सुन रहे हो समझ में आ गया वेरी वेरी। अब जब यहां तक हमको समझ में आ गया टर्म हमको निकल गया नाउ यहाँ दिखाई दे रहा क्या नाउ अभी हमको पता है एस एन इज इक्वल टू सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला क्या था मेरा एन बाई टू यहाँ पे देखो ये एन निकला है तो एन बाई टू क्या था हमारा फॉर्मूला टू ए प्लस एन माइनस वन क्या मेरा फॉर्मूला ठीक है ये हमारा फॉर्मूला है कैसे ऐसे अभी एन कितना है मेरा निकला है 23 तो कितना टर्म का निकलना सम हमको 23 टर्म दैट मीन एस 23 इज इक्वल टू एन कितना है 23 बाय 2। नाउ यहाँ पे करो 2 इनटू ए कितना है मेरा 7 प्लस एन कितना है मेरा 23 बाय 2 माइनस 1 डी कितना है मेरा ओ सॉरी 23 बाय 2 नहीं एन कितना है 23 23 माइनस 1 डी कितना है मेरा D कितना था 7 बाय 2 दिखाई दे रहा ना तो बड़ा लिखेगा बड़ा लिखने के लिए उसको मिटाना पड़ेगा मिटा दूं मैं या इसमें चलेगा ठीक है ओके। अब देखो S 23 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या करेंगे 23 बाय 2 ऐसे रखो 2 इंटू 7 14 प्लस 23 माइनस 1 22 इंटू 7 बाय 2 हो गया देन 23 बाय 2 14 प्लस 2 1 जा 2 2 11 जा 22 व्हाट इज 11 इंटू 7 कितना होगा 77 देन 23 बाय 2 इंटू 14 प्लस 77 कितना होगा 74 11 रिमेनिंग 1 7 1 8 1 91 हो जाएगा 74 11 रिमेनिंग 1 7 1 8 प्लस 1 9। अब इसको कर लो अब इसको करेंगे तो कितना निकलेगा 23 इंटू 91 कितना होगा करके देखो 91 को 23 से इंटू करो 3 27 2 18 3 9 10 2 2093 3729 2810 और 2093 डिवाइडेड बाय 2। अब ध्यान रखना है एक चीज आप लोगों ना अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आते अगर इस क्वेश्चन में समझो बीच में मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है तो हम लोग का आंसर भी कहां पे होगा ऑप्शन भी आपका मिक्स फ्रैक्शन में होगा आपका ये आंसर भी राइट है लेकिन आपका क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शन दिया दैट मीन इस टर्म के बाद नेक्स्ट टर्म भी शायद मिक्स फ्रैक्शन में हो नेक्स्ट टर्म भी मिक्स फ्रैक्शन में हो तो हमारा आंसर भी क्या होना चाहिए मिक्स फ्रैक्शन में होना चाहिए गॉट इट। तो इसका मिक्स फ्रैक्शन में निकाल लो कैसे निकालेंगे मिक्स फ्रैक्शन फ्रैक्शन को कैसे करते हैं 2093 को 2 से डिवाइड करो
टू कैंसिल आउट, जीरो 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 कैंसिल आउट, नाइन टू फोर जा एट, वन थ्री टू सिक्स जा टू, वन रिमाइंडर क्या बचे वन। दैट मीन उसके आंसर कैसे लिखेंगे हम एक्सप्रेशन में, जो डिविजर होता है उसको नीचे लिखते हैं, समझ में आ गया, जो आंसर होता है उसको लेफ्ट साइड लिखता है, जो रिमाइंडर होता है उसको ऊपर लिखता है, ए समझ में आ गया। तो मेरा आंसर क्या होगा, 2046 1/2। आया समझ में एवरीवन? ये ऐसा मत बोलना कि सर ये बहुत बड़ा है, इतना तो सॉल्व मैटर। देखो ये सब ना क्या है, प्रोसेस है यार, इसको प्रैक्टिस करोगे ना तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना खुद पता चलेगा। पर जो भी करोगे ना, सॉल्व भी होने से प्रोसेस में यही फॉर्मूला आएगा, यही मेथड आएगा, गॉट इट? ये जस्ट पहले हम मेथड करवा रहा, अभी हम एग्जाम का क्वेश्चन सब नहीं देखे, इसमें किस टाइप का आता है उस टाइप का करेगा तो वो सॉल्व नहीं हो जाएगा, इतना लंबा नहीं पूछेगा। लेकिन हम लोग को बेसिक थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, और वो कब मिलेगा, लॉग मेथड से मिलेगा। अगर आप 100% करोगे ना तो आप उसमें से 50% करोगे, लेकिन आपने 50% ही पढ़ा तो 10% ही करोगे, तो इसलिए हमने थोड़ा डिटेल में करा रहा हूँ। आया समझ में? चलो इसका होमवर्क दूं मैं, इसका होमवर्क करके रखना, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क करके रखना, 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10, एक ही हो गया एक ही। और दूसरा है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 प्लस -2 30। ये दो क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन को होमवर्क करके ट्राई करना है इसको सेम ही मेथड से। ओके ओके चलो, अब थोड़ा नेक्स्ट अलग टाइप का क्वेश्चन करते हैं किसी भी। समझ में आ गया ना सबको? अब एक बहुत शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन ट्राई करके देखो कैसे। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया ए इज इक्वल टू 5, समझो डी इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 50, ठीक है, ए इज इक्वल टू 5, डी इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 50, फाइंड एन एंड एस एन, सकोगे इसको? हाँ ए इज इक्वल टू 5, डी इज इक्वल टू 3, ए एन इज इक्वल टू 50, फाइंड एन एंड एस एन, निकाल सकोगे? सेम अभी का मेथड जैसे किया था अभी इससे पहले, जो क्वेश्चन हम लोगों को पहले वहां पे एन निकाला था फिर ऐसे निकाला था, ए और डी दिया हुआ हो जाएगा। टी एन हो जाएगा हम, और जो जो है अभी जैसे क्वेश्चन किया था वैसे ही ऐसे ही। ओके अगर क्वेश्चन आ गया ए इज इक्वल टू 7, ए 13 इज इक्वल टू 35, फाइंड डी एंड एस 13, ये होगा? देखो क्या दिया हुआ कैसे करेंगे, ए इज इक्वल टू 7, ए 13 इज इक्वल टू 35, फाइंड डी एंड एस 13,
यहाँ पे क्या दिया गया था, ए इक्वल टू सेवन, ए थर्टी, ए थर्टी थर्टी फाइव दिया, ए 35 फाइव डी एंड एस 30। तो देखो इसको कैसे करेंगे, ये ए 30 सुनो, ए कितना मेरा 7 है, ठीक है ना, ए 30 दैट मीन क्या, 13 तक, 13 तक मेरा क्या दिया हुआ है 35। ए 13 का मतलब क्या है, 13 टर्म ऑफ द एपी इज 35, गॉट इट, दैट मीन ए 13 इज इक्वल टू हमको यहाँ पे 35 दे दिया। अब आपका 13 टर्म का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस 12 डी होगा, ए 13 मतलब 13 टर्म, ओके, ए प्लस 12 डी हमारा फॉर्मूला है इज इक्वल टू 35, समझ में आ गया। अब इससे हमको क्या निकालना है, हमको डी निकालना है, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ 7, यहाँ पे 7 डाल दो ए का वैल्यू में, 7 प्लस 12d इज इक्वल टू 35, ये हो जाएगा, दैट मीन 12d इज इक्वल टू 35 प्लस 7, इधर जाने से क्या हो जाएगा -7, 12d इज इक्वल टू 35 से -7 करो कितना होता है 28, 28 29 30, 30 नहीं, सही है 28 29 30, 30 प्लस 5, हाँ ठीक है 35, 28 होगा, तो d इज इक्वल टू क्या होगा 28 बाई 12 होगा, d इज इक्वल टू 28 बाई 12, तो d इज इक्वल टू कितना होगा, कैंसिल करो, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, d इज इक्वल टू 7 बाई 3, ठीक है। अब हमको a भी मेरा दिया हुआ है, d भी निकाल लो, अब s13 निकाल लो, तो s13 का फॉर्मूला कितना है मेरा n बाई 2, क्योंकि सम ऑफ 13 टर्म, हाँ s13 मतलब सम ऑफ 13 टर्म, ध्यान रखो, तो 13 बाई क्या फॉर्मूला था, एन बाई टू था कि था, तो 13 बाई टू फिर टू इंटू ए कितना था मेरा 7 प्लस एन माइनस वन, एन कितना है मेरा, कितना टर्म है तुम्हारा, एन क्या है 13, 13 माइनस वन, डी कितना मेरा निकाला है 7 बाई, ये हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लो, तुम्हारा s13 निकल जाएगा, आया समझ में, निकल लेगा उसको, कर लेगा ना इसको, तो मैं आगे बढ़ू इस टाइप का और क्वेश्चन से, ठीक है, ऐसा करो इसका कल एक और क्लास रखो, जल्दबाजी नहीं करना पास इतना, कल एक और क्लास रखते हैं इसका, वो क्लास में इसका हम और कर, तो इसमें अलग अलग टाइप इसके क्वेश्चन आते हैं, सम ऑफ एंथम टाइप का क्वेश्चन आता है, तो ये क्लास हम कल फिर करेंगे एक बार, कल लास्ट क्लास होगा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, गॉट इट, ओके ठीक है। आप लोग जो क्वेश्चन दिया है इसको घर में ट्राई करो, रुको एक मिनट, इसका क्वेश्चन लिख लो थोड़ा ट्राई करने के लिए, आप लोग एक मिनट ना अभी मत जाना, ये क्वेश्चंस लिख लो, तो थोड़ा घर में प्रैक्टिस करो उसके, नहीं होगा तो कल तो फिर मैं कराऊंगा, इसमें अगर क्वेश्चन आ गया मैं करती, इवन डी इज इक्वल टू 5, s9 इज इक्वल टू 1, s9 इज इक्वल टू 75, फाइंड ए एंड ए 9, ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन, इफ ए इज इक्वल टू 2, डी इज इक्वल टू 8, एस एन इज इक्वल टू 90, फाइंड एन एंड ए, ठीक है, और अगर एक क्वेश्चन और हो गया, ए एन इज इक्वल टू 4, डी इज इक्वल टू 2, एस एन इज इक्वल टू -14, फाइंड एन एंड ए, चलो एक पर तीन क्वेश्चन को ट्राई करके देखना, दिस थ्री क्वेश्चन ना, ये ए है, जितना होमवर्क दिया ट्राई करके देखो, नए वाला कल हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, गॉट इट, होप आज का समझ में आया होगा आप सबको, देखो ऑनलाइन क्लास में इतना इंटरेक्शन होता नहीं है, तो ट्राई करो कि मैसेज में आप लोग पूछ लो,
अगर नहीं समझ में आया तो बता दिया। ओके ओके देन, चलो गुड नाइट एवरीवन, प्रैक्टिस करो, ट्राई करो। कल करते हैं नेक्स्ट क्लास।